ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मिलना चाहती थी आप हमसे। जलाल, दायरा बरकरार रखिए। ये ना भूलिए आपके आप एक गुनहगार हैं और हम अब भी मुगल सल्तनत के बादशाह हैं। दायरा, जो कहना है दूर से कहिए। हम समझ सकते हैं जलाल कि हमारा गुनाह माफी के लायक नहीं है, लेकिन हम क्या करते, हमसे जलन में गलती हो गई, क्योंकि हमें लगता रहा कि धीरे धीरे करके आप पूरी तरह से जोधा बेगम के होते जा रहे हैं और हमसे दूर होते जा रहे हैं। आप ही बताइए, हम करते भी तो क्या। अपनी तिजारत की जिम्मेदारी जोधा बेगम को सौंप दी और फिर उन्हें खास बेगम बनाया और मलिका इनका ओहदा भी दिया। और तो और, वो चीज जिस पर हम अपना सबसे ज्यादा हक समझते थे, आपका दिल, आपने आपका दिल भी उनके नाम कर दिया और हमें क्या मिला। आपकी जिंदगी पर हमारा कोई हक नहीं है, आपकी जिंदगी में हमारी कोई अहमियत नहीं है, कुछ नहीं है। आपकी दुनिया, आपकी जिंदगी, आपकी हर चीज जोधा से शुरू होकर उसी पर खत्म होने लगी थी और हमसे हर किस बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए हमसे गलती हो गई। जलाल, हमें माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए हमें। मतलब आज तक जो कुछ भी आपने किया वो जोधा बेगम को नीचा दिखाने के लिए किया है ना रुकैया? क्या आप जानते हैं कि आज आपकी वजह से मुगल सल्तनत को नीचा देखना पड़ रहा है? गैर मुल्कों के सामने हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही है आपकी वजह से। बेचारे किसानों का नुकसान हुआ आपकी वजह से और आपको तो एहसास भी नहीं हमारी जान पर बनाई रुकैया आपकी वजह से। आज तक आप लाखों गलती करती आई रुकैया, हमने हर बार आपको माफ किया, हर बार आपकी गलती को नजरअंदाज किया, सिर्फ इस वजह से क्योंकि आप हमारी बचपन की दोस्त हैं। इस बार आपने हद ही पार कर दी। जिंदगी में एक बार भी आपकी शक्ल नहीं देखना चाहते थे, लेकिन इस वक्त हमें हमारी जोधा बेगम ने मजबूर किया आपसे मिलने के लिए। कमाल है ना रुकैया, जिसकी ख्वाहिश ही खत्म कर देना चाहती थी आज उसने आपकी ख्वाहिश पूरी की। उन्होंने हमेशा आपको अपना माना, हमेशा आपके दर्द को समझा और आप जिंदगी भर सिर्फ उनसे नफरत करते गए, उनसे रश्क करते गए और आपकी इसी सोच पर हमें शर्मिंदगी महसूस होती है रुकैया। नहीं नहीं जलाल, आखिरी बार आपसे बुरा हो गया जलाल, हम कभी ऐसा नहीं करेंगे, हम सपने में भी ऐसा नहीं करेंगे जलाल, हमें माफ कर दीजिए। कैसे माफ करें रुकैया, आपको कैसे माफ करें आप? आपने माफ करने की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी इस बार तो। इतना नीचे गिर गए आपके खुद हम आपको उठा नहीं सकते हैं रुकैया। अब अपना सामान मान लीजिए रुकैया और यहाँ से जाने की तैयारियां कीजिए। नहीं जलाल, हमें माफ कर दीजिए जलाल, 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 जलाल। होशियार, शहंशाह हिंद तशरीफ ला रहे हैं। शहंशाह आ रहे हैं, जल्दी से हमारे वस्त्र लेकर आओ।
रख लिया। अब जानते हैं ना शहंशाह, हम स्नान कर रहे हैं। जानते हैं। कितने निर्लज्ज हैं आप, तो भी यहाँ पर आ गए। हमने सोचा आपका खास दिन है, आपके नाम पर खास जश्न रखा गया है, तो क्यों ना आज आपके गुसल को भी खास बना दिया जाए। रहने दीजिए, हम सब जानते हैं आप यहाँ पर क्यों आए हैं। वैसे हमारा स्नान हो चुका है। अब इतना भी मत इतराइए जोधा, हर किसी को शहंशाह के हाथों से गुसल करने का सुनहरा मौका नहीं मिलता है। अच्छा, बेशक यह हक मल्लिका हिंद को भी नहीं मिलता। यह हक सिर्फ और सिर्फ हमारे शरीक हयात को मिलता है, जिसे हम इतनी मोहब्बत करते हैं, जो हमारे जान है, जो हमारी दिल है, जो हमारी जोधा बेगम है। बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। हम गुसल देना भी अच्छी तरह से जानते हैं जोधा बेगम। देखिएगा जोधा बेगम, हम आपको इतने अच्छे से गुसल देंगे और उसके बाद खुद अपने हाथों से तैयार करेंगे कि आज आप सबसे ज्यादा खूबसूरत लगेंगे। और पूरी दुनिया देखेगी कि हम आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं, कि आप हमारे दिल में क्या जगह रखती हैं। शहंशाह, रुकैया बेगम भी तो आपके दिल में बहुत जगह रखती है। यदि हम आपके जीवन में नहीं होते तो आज ये स्थान रुकैया बेगम का होता। क्या हुआ शहंशाह, आप चुप क्यों हैं? आपकी बात हुई क्या रुकैया बेगम से? हम बस आपको इतना बताना चाहेंगे जोधा बेगम कि हमारा जो फैसला है, हम उसे नहीं बदलेंगे। वो सजा के हकदार हैं और उन्हें सजा मिलेगी। परंतु शहंशाह, हमारा मानना है कि जोधा बेगम, आज हमारा खास दिन है। किसी और के बारे में बात कर हम उसे खराब नहीं करना चाहेंगे। मलका हिंद आदाब। तक लिया। असलीम जोधा बेगम जी, प्रणाम रुकैया बेगम। हम आपके लिए लिबास लेकर आए हैं, खास तौर पर आपके लिए बनवाए हैं। जश्न में आप इसे ही पहनिएगा, आप पर ये रंग बहुत खिलता है ना। इसकी कोई जरूरत नहीं है जोधा बेगम, आप इसे किसी और बेगम को दे दीजिए। और वैसे भी हम जश्न तक नहीं रुक पाएंगे। प्रणाम सलीमा बेगम। आप क्यों नहीं आएंगे इस जश्न में रुकैया बेगम? आपको तो इस जश्न में आना ही होगा। नहीं सलीमा बेगम, जिससे हमारी जिंदगी जश्न थी, जब उस जलाल ने ही हमसे मुंह फेर लिया है, तो हम जश्न में आकर क्या करेंगे? आप बताइए जोधा बेगम, किसके लिए आए हम इस जश्न में? नहीं, हमें माफ कर दीजिए, मगर हम इस जश्न में नहीं आ सकते। लाइए हम पहन लेते हैं। नहीं बेटा, पहन लो। इसी बहाने हम तुम्हें जी भर कर देख लेंगे मुराद, ना जाने फिर कब मिलना हो। बैठिए। मम्मी जान, आप हमेशा से एक बेहतरीन मां रही हैं, मगर हम वो बेटे कभी नहीं बन पाए जिसपे आप अपनास कर सके, आप फक्र कर सके।
ताउमर आपने शहंशाह की खिदमत करी, मुगल सल्तनत की सालों साल आपने खिदमत करी, और हमने क्या किया, बेटों के एक चाहत के लिए हमने उस आपकी खिदमत को, आपकी उस उन तमाम चीजों को दांव पे लगा दी। लेकिन अगर कभी हो पाए तो हमें माफ कर देना अम्मी जान, हम भी कोशिश करेंगे कि कभी कभी आपको शिकायत का मौका न दे। नहीं, हमारे बच्चे नहीं रोते नहीं हैं, बच्चों का काम है शिकायत करना, लेकिन माँ, माँ के दिल में अपने बच्चे के लिए हमेशा मोहब्बत होती है। बच्चे चाहे लाख गलतियां करें, लाख रुसवाई करें, लेकिन माँ के दिल में अपने बच्चे के लिए हमेशा दुआएं निकलती हैं। और मुराद, हम तुम्हें बहुत मोहब्बत करते हैं बेटा, हम नहीं जानते मुराद की हम तुम्हारे बिना कैसे रह पाएंगे, हम नहीं जानते, नहीं जानते। अच्छा अच्छा मुराद, तुम्हें हमारे हाथ की खीर बहुत पसंद है ना मुराद, देखो 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 देखो, हम तुम्हारे लिए खीर बनाकर लाए हैं बेटा, आप खाएंगे ना। काश शहंशाह में भी आगरा से कहीं दूर भेज देते, कम से कम आपका इतना प्यार तो नसीब हो जाता अम्मी जान। इतना प्यार नहीं मिलता भाईजान आपको, अम्मी के लाडले तो बस हम है ना। हाँ, हाँ, मेरे बच्चे। लाडले तो तुम हमारे भी हो मुराद, हाँ अम्मी जान की बराबरी नहीं कर सकते, लेकिन हमारे दिल के बेहद करीब हो तुम, ये तुम्हारे लिए। मगर ये तलवार तो आपको बहुत पसंद थी ना भाईजान, लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं, और तुम्हारा दिल हमेशा इस तलवार पर था हम जान, है ना। प्रणाम मल्लिका हिंद। प्रणाम बिरबल जी, हमें आपसे कुछ आवश्यक बात करनी है। कहिए मल्लिका हिंद। बिरबल जी, हम एक समस्या से ग्रसित हैं, आशा करते हैं कि आपके पास इस समस्या का हल होगा। अवश्य, आप अपनी उलझन बताएं, हम उसका हल ढूंढने का प्रयास करेंगे। बिरबल जी, रुकैया बेगम बहुत दुखी है, एक तो शहंशाह ने उन्हें काबुल जाने का आदेश दे दिया है, और दूसरी ओर वो उनसे ठीक से बात भी नहीं कर रहे हैं। आप भी जानते हैं कि शहंशाह को रुकैया बेगम की कितनी परवाह है, रुकैया बेगम यहाँ से चली जाएंगी तो शहंशाह का भी मन टूट जाएगा। हाँ ये तो है मल्लिका हिंद, इसलिए तो हम चाहते हैं कि आप कोई रास्ता निकाले। एक रास्ता है हमारे पास, तो आपको लगता है कि जो गुनाह रुकैया बेगम ने किया है उससे ज्यादा सजा दी हमने उन्हें? क्यों आपको हमारे फैसले पर यकीन नहीं है जोधा बेगम, क्यों लगता है आपको कि वो बेगुनाह है? ऐसी बात नहीं है शहंशाह, हम मानते हैं कि रुकैया बेगम ने बहुत बड़ा अपराध किया है, हम स्वयं उनसे बहुत रुष्ट थे, फिर भी हम आपसे कह रहे हैं कि उन्हें एक मौका और दीजिए। उन्हें हर गिरज एक मौका नहीं देंगे जोधा बेगम, क्योंकि आज तक हम वही करते आए, हम उन्हें एक के बाद एक मौका देते आए, और वो एक के बाद एक कारनामे करती आई, हर बार माफ किया हमने, कभी आपकी वजह से, कभी अम्मी जान की वजह से, कभी इस वजह से कि वो हमारी बचपन की दोस्त, लेकिन इस बात उन्होंने हद ही पार कर दिया है जोधा बेगम। शहंशाह आपके वापस आने का जश्न मनाया जा रहा है, और वो उससे पहले आगरा छोड़कर जाना चाहती हैं। आखिर ऐसे क्यों हैं आप, किस मिट्टी की बनी हैं आप, हर बार रुकैया बेगम ने आपको बेइज्जत करना चाहा है, आपको नीचा दिखाने के लिए चाल पर चाल चली उन्होंने, और उसके बावजूद आप उन्हें माफ करना चाहती हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि जितनी नफरत वो हमसे करती है उससे कई गुना अधिक वो आपसे प्रेम करती है शहंशाह, और हम इस बात को भी जानते हैं कि आपको उनकी बहुत परवाह है, इसलिए एक बार उन्हें क्षमा कर दीजिए। हरगिज नहीं, चाहे कुछ हो जाए हम उन्हें माफ नहीं करेंगे जोधा बेगम। शहंशाह, उन्हें दंड देने का अधिकार आपके पास नहीं है। हमें हक नहीं है जोधा बेगम। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो हमारी अपराधी है, और यदि उन्हें कोई दंड दे सकता है तो केवल हम, ये आप ही का बनाया हुआ नियम है शहंशाह। ठीक है, अगर आप उन्हें सजा देना चाहती हैं तो तय कीजिए उनकी सजा, लेकिन एक बात का ख्याल रहे जोधा बेगम, कि हम आपको उन्हें माफ करने का हक नहीं देते हैं, और ना ही आप अपने हक का बेजा फायदा उठाएंगे। जो सजा उन्हें मिलनी चाहिए
वही मिलेगी। आप चिंता मत कीजिए शहंशाह, उनके अपराध का उपयुक्त दंड हम उन्हें देंगे और आपको भी अनुभव होगा कि हमने न्याय किया है। रुक जाइए, रुकिए बेगम, आप नहीं जा सकती। तुम्हारी भी इतनी हिम्मत हो गई कि अब तुम हमें रोकोगे? हमारी इतनी कुव्वत कहाँ हुजूर, शहंशाह का हुक्म है। जलाल का इसका मतलब है जलाल हमें रोकना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि हम यहाँ से जाएं। वो तो हमें नहीं पता हुजूर, लेकिन ये पता चला है कि आपकी सजा की सुनवाई दोबारा से दीवाने खास में होगी और इस बार शहंशाह नहीं जोधा बेगम आपकी सजा तजवीज करेंगी। आज हम सब जोधा बेगम की शान में जो जश्न रखा गया है उसके लिए यहाँ मौजूद हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि उससे पहले रुकैया बेगम के मामले का फैसला हो। क्योंकि रुकैया बेगम जोधा बेगम के गुनहगार हैं, इसलिए जोधा बेगम चाहती हैं कि वो खुद उन्हें सजा दें। इसलिए उन्हें ये हक देते हुए हम जोधा बेगम से गुजारिश करना चाहेंगे कि वो यहाँ सबके सामने आए और अपना फैसला सुनाए। मलिका हिंद, रुकैया बेगम आपके गुनहगार हैं और आप उन्हें सजा देना चाहती हैं, इसलिए हम आपको वो हक देते हैं। लेकिन ख्याल रहे कि कानून अंधा होता है। अगर हमने आपकी सजा में जरा सी भी रहम दिली, जरा सी भी तरफदारी दिखाई दी, तो हम वो हक आपसे वापस ले लेंगे और आपकी सजा को नजरअंदाज करते हुए हम हमारी सजा को बरकरार रखेंगे। रुकैया बेगम का अपराध बहुत गंभीर है, इसलिए शहंशाह ने जो दंड इन्हें दिया है उससे हम पूरी तरह से सहमत हैं और शहंशाह के आदेश को हम जस से तस नहीं करेंगे। हमारा भी यही आदेश है कि रुकैया बेगम को आगरा छोड़कर काबुल जाना होगा। शहंशाह के आदेश के विरुद्ध नहीं जा सकते, बल्कि हम आपकी सजा को बढ़ाना चाहेंगे। हम चाहते हैं कि आप तब तक आगरा नहीं लौट सकती हैं जब तक आप शहंशाह और सल्तनत के सामने ये सिद्ध न कर दें कि आप इसके प्रति वफादार हैं। रुकैया बेगम, आप मलिका हिंद की बराबरी करना चाहती थी ना? तो ठीक है, हम आपको चुनौती देते हैं। जिस भांति आगरा में हमने सफल व्यापार की इमारत खड़ी की है, आपको काबुल में ठीक वैसा ही करना होगा। और यदि ऐसा करने में आप सफल रही तो आपकी सजा पूरी हो जाएगी और आप आगरा लौट सकती हैं। कहिए क्या आपको हमारी चुनौती स्वीकार है? हमें ये चुनौती मंजूर है। कि जोधा बेगम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगी, लेकिन उन्होंने रुकैया बेगम की सजा को ललकार बनाकर उन्हें एक हौसला भी भर दिया है।
और उनके आगरा आने के रास्ते भी खुलती हैं। वाह मलिका हिंद वाह, हम आपके इंसाफ के कायल हुए। अब हम चाहेंगे कि सब लोग जश्न के लिए दीवाने आम में मौजूद हों।